नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। अमरपुर थाना क्षेत्र के मेघुआ बाचनी गांव में हुई गोलीबारी में युवक की मौत के बाद दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी के दौरान हुई मारपीट में घायल संजय मंडल ने अपने बयान में कहा, वह ईंट भट्टा से मजदूरी कर बुधवार की संध्या अपने घर लौटे तो देखा कि नल से पानी नहीं आ रहा था। जब इसकी शिकायत पंचायत के वार्ड सचिव के परिजनों से की, तब बबलू मंडल, पवन मंडल, डब्लू मंडल, दिनेश मंडल, मनोज मंडल एवं उगनदेव मंडल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उगनदेव मंडल एवं दिनेश मंडल ने पवन मंडल को गोली मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने पर पवन मंडल गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। जबकि दूसरे पक्ष के बबलू मंडल ने पुलिस को दिए बयान में कहा, उनके भाई पवन मंडल की पत्नी खुशबू देवी वार्ड सचिव है। नल जल योजना का समरसेबुल करीब एक माह से खराब था, जिसे उसके भाई ने ठीक करने के लिए दिया था। बुधवार के शाम में विजय मंडल, संजय मंडल, मुखिया मुन्नी देवी, धर्मेंद्र मंडल, देवराज मंडल, विसुन देव मंडल एवं राहुल मंडल उनके घर पर आकर गाली गलौज करने लगे। इस बीच मुखिया मुन्नी देवी एवं विसुन देव मंडल ने संजय मंडल को गोली मारने का आदेश दिया। इसके बाद संजय मंडल ने देसी कट्टा से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली डब्लू मंडल के सीने में लगी है। जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाए, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया, प्राथमिकी आरोप में संजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। घटना के बाद बाचनी गांव सन्नाटे में बदल गई है। बाराहाट थाना क्षेत्र में फसल चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें युवक अधमरा हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी संतोष कुमार सिंह के रूप में की गई है। चना उखाड़ने के विवाद में युवक की हत्या संतोष कुमार सिंह अपने ससुर कुर्थी टीकर के मंटू प्रसाद शाह के खेत पर ही था। कुछ देर बाद संतोष वहां से निकल गया, जिसके बाद मोहनपुर के ही ग्रामीणों ने देर शाम खेत से चना उखाड़ते देख लिया। इस बाबत को लेकर ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। जब इसकी सूचना परिवार बालों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे, घायल संतोष को अस्पताल लेकर गए। साथ ही घटना की सूचना बाराहाट थाने को भी दी गई। डॉक्टर ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सिर से लेकर पैर तक गहरे जख्म के निशान थे। युवक के शरीर से खून भी अधिक बह गया था। युवक चना उखाड़ने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। कुछ वर्ष पूर्व ही मोहनपुर गांव के रहने वाले एक डीएसपी की हत्या के मामले में संतोष 28 महीने तक जेल में रह चुका था। युवक आपराधिक प्रवृत्ति का था। हालांकि अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। परिजनों से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लगता है कि कोई साजिश करके इसको मरवाया गया है। इसमें जगह जमीन का भी मेटल लगा हुआ है। अच्छा। आगे से मतलब पहले भी कोई घटना हो गई? पहले भी घटना घटी थी, उसमें आरके बाबू थाना इंचार्ज थे और यही कार्तिक चौकीदार भी उस समय प्रेजेंट थे। पुलिडुमर प्रखंड के सातपुर पंचायत अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव पिरोटा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के विकास एवं धरातल पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित विशेष एक दिवसीय शिविर में देर शाम उप विकास आयुक्त रवि प्रकाश पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक स्टालों पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने उक्त शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कोरोना को लेकर आम जनताओं से टीका लेने एवं मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग का शिविर आम लोगों को उचित लाभ पहुंचाने में सफल रहा। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एवं चिकित्सा प्रबंधक परशुराम सिंह के नेतृत्व में संचालित स्टाल पर विभिन्न बीमारियाँ की जाँच, अस्थायी परिवार नियोजन के आवश्यक साधन, दवाई वितरण की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ करीब 671 लाभुकों के बीच विभिन्न लाभ पहुँचाए गए। वहीं बिजली विभाग में 7,
आयुष्मान कार्ड के लिए 9, मतदाता सूची में सुधार के लिए 50, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए 30, प्रधानमंत्री आवास के लिए 70, स्टूडेंट कार्ड के लिए 15, खाद्य आपूर्ति विभाग के स्टॉल पर देर शाम तक 400, वृद्धा पेंशन के लिए 10, परिवहन में 12, पीएम मातृत्व वंदन योजना में 10 आवेदन जमा किए गए हैं। राजस्व विभाग के स्टॉल पर 7,000 के रसीद काटे गए। मत्स्य विभाग में 18 आवेदन जमा किए गए हैं। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन वीडियो विकास कुमार एवं अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा ने किया। CDPO मीना कुमारी, BPRO बाल कुमार सिंह, PO संजीव कुमार, BIO राम प्रसाद मिश्र, RP अशोक कुमार यादव, विद्युत कनीय अभियंता वरुण कुमार एवं सहायक विद्युत अभियंता मनीष कुमार साहू, BPM जीविका संजीव, स्वच्छता अभियान के प्रबंधक उमेश कुमार दास, पशु चिकित्सक डॉक्टर नवीन मंडल समेत सभी कृषि सलाहकार, सभी आवास सहायक, सभी कृषि समन्वयक अपने अपने स्टॉल पर उपस्थित थे। कोतवाली चौक स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वेता सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां स्वेता सिंह ने बताया कि महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षता श्रीमती लाजवंती झा अध्यक्षीय दायित्व में पहली बार भागलपुर पधार रही हैं। उनका स्वागत, सम्मान व अभिनंदन को लेकर हम सभी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य को मजबूती देने के लिए प्रत्येक जिला में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जो 20 मार्च को दोपहर 1 बजे से MP द्विवेदी रोड दवाई पट्टी स्थित देवू बाबू धर्मशाला भागलपुर में भी आयोजित है, जिसमें हम सभी को प्रदेश अध्यक्षता का मार्गदर्शन मिलेगा। जिला कार्य समिति बैठक के माध्यम से हम सभी लोग संगठन द्वारा चलाए गए पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा व आगामी योजनाओं की नीति निर्धारण तय करते हैं, जिससे संगठन की सभी कार्यकर्ताओं को आगामी योजना पर काम करने में सफलता होती है। बैठक में संगठनात्मक कार्य के साथ साथ आगामी पंचायत चुनाव सहित स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजनाएं तैयार की जाएगी। इसके साथ सशक्त महिला सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें भागलपुर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मौके पर जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री अनामिका ठाकुर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पिंकी बगोरिया, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बबीता मिश्रा, महिला मोर्चा जिला मंत्री कुंदन कुमारी, जिला मीडिया प्रभारी पूजा कुमारी, जिला सह मीडिया प्रभारी करिश्मा कुमारी, महिला मोर्चा कार्यालय मंत्री प्रेमलता शर्मा उपस्थित रहे। दौरा का मुख्य उद्देश्य अभी चुनाव भी है, पंचायती चुनाव है, उसको लेके जब महिलाएं संगठित होंगी तो एक जगह एकत्रित होंगी तो बहुत सारी बातों को रखना आसान हो जाएगा, उनको बताना आसान हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं महिलाएं जो कि सोच रहे हैं कि मुझे भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, उनके विचार भी आ जाएंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।